देश में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जानकारी देते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव ने बताया कि देश की आर्थिक और सामाजिक समानता असमानता को समझने के लिए जातिगत जनगणना पहल के आधार पर होनी चाहिए। बार बार ये कहा है कि जाति नामक बीमारी को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना नामक टेस्ट या एक्सरे अनिवार्य है। जातिगत जनगणना का किसी राजनीतिक दल किसी एक जाति से कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करवा लो, उसके बाद मेरे पास आना। जातिगत जनगणना केवल वही है। जातिगत जनगणना का अर्थ ये नहीं है कि केवल जातियों की जनसंख्या का अनुमान बता देगी। जातिगत जनगणना सबसे अधिक इसलिए जरूरी है कि वो हर जाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आंकड़े, प्रमाणिक आंकड़े देश के सामने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इस देश में सामाजिक न्याय की कोई भी स्कीम बने तो वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, प्रमाण के आधार पे होनी चाहिए। जातिगत जनगणना उसका प्रमाण हमें दे सकती है। आज देश में जो संकट है, जो आज सुबह पत्रकारों के छापे से जिसकी एक और झलक मिलती है, वो इस देश की लोकशाही का संकट है। समस्या केवल मीडिया की नहीं है, यही स्थिति जुडिशरी की है, यही स्थिति एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की है, यही स्थिति इस देश की तमाम स्वतंत्र संस्थाओं की है। लोकतंत्र का गला धीरे धीरे घोटा जा रहा है और 21वीं सदी का यही मॉडल है। एक दिन सेंसरशिप घोषित कभी नहीं होगी, हर दिन एक एक डिग्री गला घोटा जाएगा। ये 21वीं सदी में रूस में भी यही होता है, तुर्की में भी यही हो रहा है, हंगरी में भी यही हो रहा है, श्रीलंका में भी यही हो रहा है। 21वीं सदी की डिक्टेटरशिप का यही मॉडल है जो भारत में किया जा रहा है। लेकिन हमारा संकट केवल लोकशाही का नहीं है, संकट उससे ज़्यादा बड़ा है। लोकशाही का संकट तो देश में इमरजेंसी में भी था। 1975 से 77 तक इस देश में लोकशाही का संकट हुआ था। इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। लेकिन आज उससे भी बड़ा संकट है। आज संवैधानिक ढांचे को तोड़ा जा रहा है। सिर्फ लोकशाही नहीं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचा, इन चारों पे हमला एक साथ किया जा रहा है। और यही नहीं, आज इस देश के गणतंत्र की बुनियाद पे हमला है, यानी कि देश की एकता, एक सूत्र में बंधे देश पे हमला है। ये हमला सिर्फ हिंदू मुसलमान के सवाल पे नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है उसका हिंदू मुसलमान से कोई संबंध नहीं है, धार्मिक चीज़ों से सीधा संबंध नहीं है। ये सीधे सीधे डिवाइड एंड रूल का खेल है। जो मणिपुर में कुकी और मितेई के नाम से खेला जा रहा है, जो हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट के नाम पे खेला जा रहा है, जो कर्नाटका और तमिलनाडु में क्षेत्रीय आधार पे खेला जा रहा है, पंजाब और हरियाणा में पानी के सवाल पे खेला जा रहा है। और हमारे दोस्त कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी अब कुछ कुणबी और धनगर समाज का और अलग अलग समाजों को करने का खेल हो रहा है। इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल। इस देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो बेरोजगारी की अवस्था है, जो महंगाई की अवस्था है, और इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला जो है, जो अडानी के नाम से चल रहा है, उससे दुनिया जनता की नज़र हटे और चतुर्वर्णीय व्यवस्था को पिछले दरवाजे से लाके बनाए रखा जा सके, उसके लिए इन दोनों चीज़ों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, ताकि इन बुनियादी सवालों से देश के लोगों का ध्यान अलग रहे। इस संकट को देखते हुए इस देश के तमाम जन आंदोलनों और जन संगठनों ने तय किया है कि हम जो अलग अलग विचारधारा के हैं, हम में से कुछ लोग गांधीवादी रहे हैं,
कुछ मार्क्सवादी, कुछ अंबेडकरवादी, कुछ समाजवादी, कुछ पर्यावरणवादी, महिलावादी, अलग अलग लोग रहे, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि अब ये समय है इस देश में एक स्पष्ट भूमिका लेने का। और हमने तय किया कि हम ये जो भारत जोड़ो अभियान है जिसकी स्थापना फरवरी 2023 में हुई है, उस अभियान के तहत हमने तय किया है कि हम अब देश के तमाम ऐसे संगठनों को जोड़ के 2024 के चुनाव में एक स्पष्ट भूमिका लेंगे। देश विरोधी, संविधान विरोधी, लोकशाही की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन करना और उसके स्थान पर इंडिया नामक गठबंधन का समर्थन करने का हमने फैसला किया है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन में हम शामिल नहीं हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हमने अधिकांश दलों ने अपना अधिकांश समय इन पार्टियों के विरुद्ध संघर्ष करने में लगाया है, लेकिन आज जब घर में आग लगी हो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो पानी की बाल्टी ला रहा है उसकी बाल्टी लाल रंग की है, नीले रंग की है, पीले रंग की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोग मिल के काम करेंगे, देश में लोकशाही को बचाएंगे। इसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में तमाम छोटी पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो शामिल हो रही हैं, टिकट मांगने के लिए नहीं। सब संगठनों ने फैसला किया है हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, हम इस गठबंधन का औपचारिक कोई मांग नहीं है, हमें अपना देश बचाना है, इसलिए हम इनका समर्थन करेंगे। ये सोचते हुए देश में 125,000 वॉलंटियर हम खड़ा करेंगे, वो वॉलंटियर जो देश की चुनिंदा 150 सीटों पे जाके प्रचार करेंगे और झूठ जो कि बीजेपी की आईटी सेल रोज सुबह चलाती है उस झूठ का प्रतिकार करेंगे। ये दोनों काम के लिए 125,000 वॉलंटियर शुरू होंगे, बनेंगे। और इस अभियान की शुरुआत कल वर्धा से कर दी गई है। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हमने इस अभियान की शुरुआत की है और हमें विश्वास है कि देश में ये अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये जो भारत जोड़ो अभियान है ये देश के 15 राज्यों में ऑलरेडी स्थापित हो चुका है और इसके जरिए हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में जलगांव में इसका सम्मेलन हो चुका है, अब क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों के साथ इस देश के तमाम जन आंदोलनों और जनसंगठनों की ऊर्जा जोड़ देने से संभव होगा कि हम इस जन विरोधी देश विरोधी सरकार को बदल सकें। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।